आ पहली बार एमआईएम हिस्ट्री देखे तो पहली बार डायरेक्टली यू आर सपोर्टिंग टू टीआरएस, पहली बार आप डायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, राजीव गांधी के दौर में उन्होंने जो कैंपेनिंग में आपको टारगेट करे, आप महाराष्ट्र और असम में आप कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करे, इनडायरेक्टली सपोर्ट टू बीजेपी, ये वजह क्या है? तो सबसे पहली बात यह है कि हम टीआरएस की ताईद हमारे 8 असेंबली सेगमेंट्स में, टीआरएस भी हमारा अपोनेंट है तो वहाँ पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हमारी पार्टी का एक स्टैंड डिसीजन ये है कि 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को छोड़कर हम पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करे हैं कि आप दोबारा के चंद्रशेखर राव को तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर बनाइए, ये हमारा स्टैंड रहा है। और हमने इलेक्टोरेट वोटर से ये भी रिक्वेस्ट की है कि ये जो प्रजा कुटुमी है, ये प्रजा कुटुमी नहीं है बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी 2018 है, इसलिए कि चंद्राबाबू नायडू एक दूसरे तेलुगु स्टेट में बैठकर तेलंगाना के फ्यूचर डिसीशंस को वो कंट्रोल नहीं कर सकते, ना करना चाहिए। तो तेलंगाना की जो स्ट्रगल थी वो इसलिए थी कि हमारी यहाँ पर तेलंगाना की लीडरशिप हो और हमारी जद्दोजहद हो। ये बात सही है कि एमआईएम पार्टी भी अपोज करी क्रिएशन ऑफ तेलंगाना को, तो इसलिए हमने ये कहा है। दूसरी बात कि जनाब राहुल गांधी ने हमको सी टीम कहा है, तो मैं राहुल गांधी को ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले वो जो है ज़रा हम्बुलनेस, मॉडेस्टी और ह्यूमिलिटी इसको अपनी माँ से सीखें, इसलिए कि राहुल गांधी भूल रहे हैं और आप जो सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ पर हैं, ईश्वर रेड्डी साहब हैं, हमारे उमर फारूक साहब हैं, 1998 से जब मैं असेंबली में था, जब से हमारी पार्टी 2012 तक कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करी, उस वक्त हम क्या दूध के धुले हुए थे? उस वक्त हम गुनाहगार नहीं थे? 1999 में 22 सितंबर 1999 को पत्थरगट्टी के पास टास्क फोर्स मेरे को बे इंतहा मारी पीटी, मेरे सर पर 18 टाके लगे, मेरी पीठ और पैर को छन्नी कर दिया गया, परमानेंट मेरे को बैक प्रॉब्लम है वो लटों के मार से। विजय भास्कर रेड्डी साहब जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, मेरे पार्टी प्रेसिडेंट, मेरे फादर के करीबी दोस्त थे, उन्होंने अस्पताल आकर हमारे पार्टी प्रेसिडेंट को बताया कि सलाउद्दीन ओवैसी, आपके बेटे को इसलिए मारा गया क्योंकि 2 दिन पहले मैं और राजशेखर रेड्डी असद को फोन करके बोले थे कि तुम सेकेंड फेज ऑफ पोलिंग को कांग्रेस की सपोर्ट के लिए गुंटूर जाओ। आप देख लो, रिकॉर्ड चेक कर लो, जब सेकेंड फेज वॉज आफ्टर 22 सितंबर। तो राहुल गांधी को यह मालूम होना चाहिए कि चंद्राबाबू नायडू मुझ पर अटैक कराए और वो एडिशनल डीसीपी दामोदर श्रीनिवासलू को उस वक्त मिस्टर नायडू के सिक्योरिटी में इकबाल साहब एक ऑफिसर होते थे, आउट ऑफ टर्न अडवाणी को बोल के उनको आईपीएस कन्फर कराए क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को मारे बोल के। तो राहुल गांधी नहीं जानते हिस्ट्री को। हम कांग्रेस की सपोर्ट करने जाने वाले थे, इसलिए हमारे को मारा और पीटा गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन था प्रणब मुखर्जी का, राहुल गांधी जानते ये। यूपीए की मीटिंग के बाद मेरे को बोला गया, मेरे से पूछा गया कि क्या आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में क्या होगा, मैं बोला कि आपको मालूम क्रॉस वोटिंग होगी, तो फौरन मेरे को रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज जाके जगनमोहन रेड्डी से मिलो। तो मैंने यह कहा कि भाई जगनमोहन रेड्डी को आप जेल में डाले, मैं नहीं डाला, आप डाले जेल में उसको, मैं कैसे जाके मिलूं? तो बोले नहीं, आपके दोस्त है। मैं चंचलगुड़ा जेल जाके जगनमोहन रेड्डी से 2 घंटे की मुलाकात, पहले 20 मिनट जगनमोहन रेड्डी आते ही नहीं बोले, मिलते नहीं बोले मेरे को, बड़ी मुश्किल से आए, बहुत नाराज थे मेरे से और बोले असद भाई, मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 9 महीने से जेल में हूं, आप मेरे फादर के करीबी साथी थे, आप एक मर्तबा मेरे से आके नहीं मिले। उनकी शिकायत वाजबी थी, खैर मैं बहुत देर उनसे बात करा, समझाया,
और जगन मोहन रेड्डी की मैग्नानिमिटी थी कि जगन मोहन रेड्डी मेरे को क्या बोले, असद भाई आप आए मेरे से मिलने के लिए, आप आकर मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे उस पार्टी को सपोर्ट करो जो मुझे जेल में डाल दी, मगर आप आए, मैं आपको आपकी बात को खाली नहीं जा सकता, आप मीडिया बाहर खड़ा हुआ है जाके आप अनाउंस कर दो। मैं बोला नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं कांग्रेस के जो लीडरशिप जो मेरे को बोली थी मैं उनसे कहूंगा कि प्रणब मुखर्जी हैदराबाद आकर मिसेज वाईएस राष्ट्रगढ़ी से मिलना। तो जगन मोहन रेड्डी की आंखों में आंसू आके बोले असद भाई ऐसा होगा, मैं बिल्कुल कराऊंगा। मैं जब क्या था राहुल गांधी में न्यूक्लियर डील हो रही थी, न्यूक्लियर डील के वक्त रात के 1 बजे आकर कौन मेरे घर पे बोला था कि उस वक्त नागर कर्नूल के एक एमपी थे और तिरुपति के एक एमपी थे, बोले असद भाई ये दोनों आपके बाजू बैठते डर रहे, जरा उनकी हिम्मत दिलाओ, ये दोनों भी वोट डाले थे। उस वक्त मैं क्या था न्यूक्लियर डील में खड़े रह के मैं सपोर्ट करा, तो राहुल गांधी बताना कि मैं क्या था, 8 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह की हम सपोर्ट करें, क्या था जब मैं, तो राहुल गांधी का फ्यूडल माइंडसेट है। राहुल गांधी क्योंकि जन्योधारू हिंदू है और जन्योधारू यह समझता है कि कोई उसके बराबर नहीं है, असदुद्दीन अवैसी एक मलचा है। मगर मैं राहुल गांधी को बताना चाह रहा हूं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पूरे कास्टिज्म को और ऐसे फ्यूडल माइंडसेट को डिस्ट्रॉय करता है और उनको ये बात समझना चाहिए। और जम्मू कश्मीर मेरी वजह से हारे, आसाम मेरी वजह से हारे, दिल्ली मेरी वजह से हारे, आप ऐसे कई स्टेट्स मैं मिसाल दे सकता हूं जो आप हार गए, राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस पार्टी हार रही, मगर क्योंकि वो जन्योधारू है उन्हों बहुत होली है उन्हों इसलिए उन्हों सबको बोलते। तो ये जो कांग्रेस बीजेपी का जो कोशिश है कि दुनिया बाइपोलर है, मैं नहीं मानता इस बात को। इस मुल्क में, इस कंट्री में, तेलंगाना में रीजनल पार्टी की जरूरत है जो तेलंगाना के एस होप्स एंड एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करे। 50 साल कांग्रेस पार्टी रूल करी आंध्रा को, 17 साल तेलुगु देशम रूल करी, क्या दिए भाई आप। तो ये बी टीम सी टीम, कुमारस्वामी को आरएसएस की बी टीम बोले, आप सीएम बना दिए उसको, तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस है, कोई दम नहीं है, बेकार की गुफ्तगु कर रहे और इनको हम चैलेंज करके पूछ रहे मेरे सवाल का जवाब दो। गुलाम नबी आजाद बोलते कि मैं हम मजलिस को पाले पोसे। गुलाम नबी आजाद साहब आपके भाई बीजेपी में चले गए, जो बच्ची को जम्मू में रेप हुआ था, वो बच्ची का रेप हुआ था कठुआ में, जो एक्यूज पकड़े गए थे उन एक्यूज की ताईद में पूरे जम्मू में एजिटेशन लीड करने वाला कौन था गुलाम नबी? आपका इलेक्शन एजेंट, आपका गुलाम नबी का इलेक्शन एजेंट। गुलाम नबी क्यों हारे जम्मू का इलेक्शन? ओवैसी हराया जाके, बी टीम सी टीम बन के आप हार गए। अरे आपके पास से एक मुसलमान एमपी नहीं जीतता मध्य प्रदेश से, गुजरात से, कर्नाटका से, आंध्रा से, महाराष्ट्र से, बताओ एक मुस्लिम एमपी तुम जीत किया है। और लास्टली राहुल गांधी को बताना पड़ेगा कि जब ट्रिपल तलाक का बिल आया तो कांग्रेस पार्टी में 2 मुस्लिम एमपी थे, इसमें से एक किशनगंज के मौलाना असराउल्लाह कासमी, जो इंडिया की सबसे मशहूर रिलीजियस सेमिनरी दारुल उलूम देवबंद, उन्हें वहां के पढ़े हुए एंड ही इज द वहां के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर, शूरा के मेंबर, मौलाना असराउल्लाह कासमी ऑन रिकॉर्ड बोले कि राहुल गांधी मुझे ये बोले कि आप इस डिबेट में तकरीर नहीं करना और वोट नहीं डालना। मेरी तकरीर हुई, मैं अमेंडमेंट्स मूव करा, राहुल गांधी को बताना पड़ेगा कि ट्रिपल तलाक के मसले के ऊपर कांग्रेस पार्टी क्यों मोदी को सपोर्ट करी। तो ये इनका जो सेकुलरिज्म है वो धोखेबाजी का सेकुलरिज्म है। बाबरी मस्जिद के लॉक्स, सीपी जोशी बोलते इनके लीडर राजस्थान के, कि हम खोले बाबरी मस्जिद के लॉक्स, क्या वो सी टीम थी बी टीम थी?
तो इनकी लंबी लिस्ट है और इन्हों बैडली एक्सपोज हो चुके हैं, मगर राहुल गांधी का ऐसा मामला ऐसा है कि बस मेरे साथ आ जाओ, मेरे हाथ को चूम लो, बस आपको मैं लिख के दे देता हूँ, साफ सेकुलर है। और मोदी साहब बोल रहे हैं मेरे कने आ जाओ, मैं आपको नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट देता हूँ। हम इन दोनों से कह रहे हैं, मिस्टर मोदी और राहुल गांधी से, कि ये आप जो बरसों से लाला की दुकान चला रहे, ये लाला की दुकान आप बंद करो, आपके सर्टिफिकेट की हमारे को जरूरत नहीं है। आपने कहा कुमार स्वामी को बी टीम कहती थी बीजेपी की कांग्रेस, और यहाँ पर आपको भी बी टीम कहती है, अगर चुनाव के बाद समीकरण बदले तो क्या ये नाराजगी दूर हो जाएगी और आप कांग्रेस के साथ जुड़ सकते? मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ, अवाम से अपील कर रहा हूँ कि, और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस के 8 MLAs कामयाब होंगे, प्रजा कुटुमी को शिकस्त होगी, बीजेपी को शिकस्त होगी, और के चंद्रशेखर राव दोबारा तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मेरा जवाब है। सर नागार्जुन फ्रॉम इंडिया टुडे, योर क्रिटिक्स लाइक कांग्रेस एंड बीजेपी अक्यूजिंग यू ऑफ नॉट फील्डिंग कैंडिडेट्स इन योर ओन स्टेट अक्रॉस द स्टेट, बट व्हेन यू कंटेस्ट इलेक्शंस इन कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड अदर स्टेट्स, बट यू फील्ड n number of candidates just to divide the vote share is what they feel. Here in your own state, you're not fielding candidates across the state. Well, you see, number one, I have not contested in Karnataka, so let me correct you. We supported Kumaraswamy. As far as not contesting enough seats or contesting seats, see, the issue is that whatever I do becomes a point of discussion. So it clearly shows that I am the only person in Indian politics wherein all political parties whose graph is going down, they feel that by criticizing Owaisi, they'll become relevant in Indian politics. I thank them for doing that. So it is my party decision to contest 8 seats over here. It was my party's decision to contest in Maharashtra and in Bihar. In Bihar, it was only 6 seats. In UP, it was 24 seats out of 400 odd seats. So the number is very minuscule. So this, if I had contested more seats in Telangana, that same argument, see, you're doing this to divide votes. So we decide our party policy irrespective of what other political parties think. So for Telangana, this is our strategy, that we want to contest 8 seats, and that is our political strategy and aim. Owaisi sir, this is Pinky Rajpurohit from ABP News. Raj Thakre ne aap par bahut hi gambhir aarop lagaya hai ki Delhi se unhe call aaya tha aur aap aur kendra sarkar milkar Ram mudde par dange jo hai phailane ki saazish kar rahe hain. Bolta main unse itna hi kahunga ki aapka bhi ग्राफ नीचे गिर रहा है, तो ओवैसी, इनको लगता है कि कोई एक टैबलेट है या ओवैसी का नाम लेने से इनके जिस्म में हरारत आ जाएंगी, पुकारिए, नाम लीजिए, कोई बात नहीं। मगर मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जो यूपी बिहार के लोगों पे क्यों हमला कर रहे हैं आप, और आप बोल रहे हैं कि हम दंगा कर, अरे आपकी पार्टी यूपी बिहार के लोगों को मारती है, वो क्यों कर रहे? तो ये अपना पहले अपने गिरेबान में झांक लो। हाँ, तुमको जिंदा रहने के लिए ओवैसी का नाम लेना है तो लेते रहो, शायद तुम्हारे को कुछ जिंदगी में मजा आ जाए। आपने तेलंगाना के दूसरे हिस्सों का भी टूर किया है, वहां पे मीटिंग्स भी की हैं, तो मेरा सवाल यह है कि हैदराबाद में आप जहां पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वहां मुस्लिम यूनिटी विजिबल है, लेकिन क्या डिस्ट्रिक्ट्स में मुस्लिम वोट आपको डिवाइड होता दिखता है? नंबर एक क्वेश्चन। नंबर दो यह है कि जिस तरह का एग्रेसिव कैंपेन बीजेपी ने चलाया, इतने सारे लोग आए थे, आपको क्या लगता है अब की बार उनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है? नहीं, नंबर पहला सवाल आपका ये कि मुस्लिम कम्युनिटी के ताल्लुक से आपने पूछा, तो मुस्लिम कम्युनिटी में ये एक रियलाइजेशन है कि कांग्रेस और तेलुगु देशम ने जो काम नहीं किया, स्पेशली मुसलमानों के एजुकेशन अपलिफ्टमेंट के लिए, वो काम
तेलंगाना में हुआ एमआईएम पार्टी के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर केसीआर ने उसको मंजूर किया. आज 50,000 मुस्लिम बॉयज एंड गर्ल्स तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स में पढ़ रहे हैं. बच्चियों का स्कूल और हॉस्टल अलग, बच्चों का हॉस्टल स्कूल अलग. एक एक बच्चे के ऊपर 1,20,000 का खर्चा गवर्नमेंट कर रही है. और सब दुनिया जानती है कि मुसलमानों का बिगेस्ट प्रॉब्लम इलिटरेसी है. वो काम हो रहा है. ओवरसीज स्कॉलरशिप की स्कीम है. हम जाके केसीआर से मिलके बोले. आज आपको जानकर खुशी होगी कि 2 साल में नियरली 900 मुस्लिम माइनॉरिटी बॉयज आर स्टडिंग इन यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं. शादी मुबारक की स्कीम है. और सबसे ज्यादा जो मुसलमान इस बात पे खुश है कि भाई 4.5 साल में कम्युनल राइट कहीं पर नहीं हुआ. हम हैदराबाद को राइट मुक्त कर दिए. पीसफुल रहा. ठीक है, छोटे छोटे इंसिडेंट्स हुए, कंडेमनेबल है. बट एक फियर फैक्टर जो आप देखिए कल यूपी में हो गया, एक पुलिस के इंस्पेक्टर को गोली मार दिए गौरक्षक, उसके सर्विस रिवॉल्वर से. मॉब लिंचिंग, एक फियर हो गया वहां पर. फियर, कोई फेस्टिवल आया तो क्या होता बिहार यूपी में, वो फियर यहां पर नहीं है. उसका क्रेडिट यकीनन गवर्नमेंट को, एमआईएम पार्टी को जाता है. और लास्ट सवाल आपका बीजेपी के कैंपेन का. अब बीजेपी का हर कैंपेन में भाई आप तेलंगाना के लिए क्या करना चाह रहे, हैदराबाद के लिए क्या करना चाह रहे, कुछ नहीं. असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, एमआईएम पार्टी, एमआईएम पार्टी. हम हैदराबादी जबान में अगर बोले तो भाई ये खट्टे डायलॉग कब तक बोलेंगे, बंद करो इसको, कोई नई बात करो. और प्राइम मिनिस्टर अमित शाह, योगी ये बोल, योगी ये बोलते कि भगा देंगे ओवैसी को. अरे क्या भाई, मैं हिंदुस्तान का नंबर वन सिटीजन हूं. मैं इक्वल सिटीजन हूं. मैं किरायेदार नहीं हूं यहां पर, मैं हिस्सेदार हूं यहां पर. और हम और योगी में फर्क यह है कि हम दोनों इंडियंस बाय बर्थ हैं, बट असदुद्दीन ओवैसी के पास वो एक्सक्लूसिव राइट है जो योगी के पास नहीं है. वो राइट ये है कि आई एम इंडियन बाय चॉइस ऑल्सो, दैट इज नॉट देयर विद देम. We rejected Jinnah's theory. We accepted India and will always accept India as our homeland. You cannot treat us as second-class citizens. BJP's ideology is to treat Muslims not as equal citizens, but as unequal citizens. We are stakeholders. हम हिस्सेदार हैं यहाँ पर. यही तो हमारी लड़ाई है कांग्रेस से और बीजेपी से कि आप हमको हिस्सेदार बनाओ. एमआईएम पार्टी का पूरा स्ट्रगल क्या है कि हमको हमारा हिस्सा मिलना चाहिए पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में, डेवलपमेंट में. ये हमारी स्ट्रगल है. तो बीजेपी का पूरा मामला यही है कि खाली बस गर्दन काट देना. एक उनका गोशामेल का कैंडिडेट हो रहा, गर्दन काट देता हूं. क्या है भाई, इलेक्शन है या फिर ये कोई वो रोमन एम्पायर के कोलोसियम में दो लोग तलवार लेके लड़ रहे. ये क्या लैंग्वेज है ये कि हम गर्दन काट देंगे, ओवैसी को भगा देंगे. अच्छा बेचारे को हिस्ट्री भी नहीं मालूम, निजाम भाग गए थे. अरे निजाम की खबर है, चलो चल के फूल चढ़ाएंगे दो. खबर है, यही है निजाम की, राज प्रमुख बनाया गया था. तो बीजेपी का कार्य बहुत, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं. सर एक आपने भाषा की बात की, तो अगर आपके भाई के भाषा की भी बात करें तो हर जलसे में वो किस प्रकार से, किस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, खास करके प्रधानमंत्री मोदी के लिए. अकबरुद्दीन ओवैसी के एक तकरीर का हवाला हमारे प्रमोद साहब मेरे को कल सवाल किए थे कि अकबरुद्दीन ओवैसी अपने आप को भाईजान बोल रहे. यहाँ पूरे हैदराबाद के लोग बैठे हुए हैं, बड़े भाई को भाईजान बोलते. कांग्रेस के टीआरएस के लीडर्स, अरे असद भाईजान कहाँ हैं आप, बड़े भाई को भाईजान बोलते. उसमें अगर हम बोले कि हम बड़े भाई है तो तकलीफ कहीं क्यों हो रही बीजेपी को, आपको बड़ा भाई मानेंगे नहीं मानते. यही तो लड़ाई है हमारी
कि आप अपने आप को बड़ा समझ रहे, हमको छोटा समझ रहे, हम बोल रहे हम बराबर है इसलिए भाईजान बोले, तो उसमें तकलीफ की बात क्यों है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। टीआरएस की दोस्ती मजलिस को फ्यूचर में महंगी पड़ सकती है, एक सवाल ऐसा मानना जा रहा है, सियासी मुबसरीन का मानना भी ये है। दूसरा सवाल, अवैसी मुक्त तेलंगाना अमित शाह चाहते हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस बी टीम बता रही है, इसका कैसा खुलासा है? सबसे पहला सवाल आपका, दूसरा सवाल बोल लेता हूँ मैं, ये बात बिल्कुल सही है कि अमित शाह और राहुल गांधी दोनों में एक कन्फर्मिटी है कि वो मजलिस को रोकना चाहते। तो तेलंगाना में राहुल और अमित शाह एक साथ काम कर रहे हैं मजलिस के खिलाफ, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो मैं मुबारकबाद देता हूं जनियोधारू हिंदू राहुल गांधी को और मिस्टर अमित शाह को कि कम से कम हमारी मुखालिफत में आप दोनों जमा हो गए, ये खुद जाहिर हो गया कि आप कौन सी टीम के हैं। अब रहा सवाल महंगा पड़ेगा सस्ता पड़ेगा, देखो भाई ये मुस्तकबिल बताएगा, और मजलिस जो है कभी भी ऐसा काम नहीं करती जिससे हमको नुकसान होगा। इंशाअल्लाह ताला आप मुतमईन रहिए, मजलिस ताकतवर रहेगी और किसी को कोई इसमें नुकसान नहीं होगा। सर, इन दिस कमिंग इलेक्शंस एमआईएम पार्टी हाउ मेनी सीट्स विल गोइंग टू विन एंड आफ्टर इलेक्शन दिस पार्टी विल जॉइन इन गवर्नमेंट और नॉट? सर द सेकेंड क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज नो वी विल नॉट जॉइन द गवर्नमेंट। I am pretty much sure that the people of Telangana will bless KCR again. He will form the government. We will not join the government, sir. There will be no need of MIM joining the government. And firstly, your first question, yes, we are definitely trying our level best. We will not only retain the 7 seats which we had, but also win the additional Rajendranagar seat. Sir, you have been saying that regional parties will hold sway. Pardon, sir? Regional parties are will have a say in the elections. Yes. And of course, if let TRS will come to power, nobody knows about it. But at the national level, if all the regional parties have to come together, there are only 2 options, BJP and anti-BJP. Which way you will go? So that is why in my initial first question that was asked by from Namaste Telangana, I said that India's politics cannot be bipolar. India is a very big country. India's diversity is huge. And unfortunately, deliberately, India's diversity is not being represented, reflected by Congress and BJP. And that is why I am of the opinion that this pluralism diversity has to be reflected by regional parties coming together. And definitely, I am of the opinion that this country deserves a non-Congress, non-BJP government, because Congress got 209 seats in 2014. BJP got 280-odd. They have not been able to deliver on governance, on federalism, on every aspect of what they promised. So definitely, after the result comes, I am of the opinion that the regional parties will play a very, very important role in who becomes the next prime minister of this great nation of ours. Will there be a scope for third front? No, third front or federal front, we'll come to know very soon, sir. TRS pe ek comment hai afwah ki unki cabinet mein ek bhi mahila minister nahi hai, aur jo aapki friendly party hai jo MIM ke bhi contested mein ek bhi mahila candidate nahi hai, jo aapki नगर में भी एक भी महिला कैंडिडेट नहीं, उनको क्यों नहीं दिया एक महिला को भी? नहीं, अब ये टीआरएस क्यों नहीं दिया मैं तो नहीं डिसाइड करता ना, वो उनसे पूछना जाके आप। और सेकेंडली, कोई फ्रेंड कॉन्टेस्ट कोई फ्रेंडली नहीं होता मेरे भाई, कंटेस्ट कंटेस्ट होता, क्योंकि कैंडिडेट का प्राइड, पार्टी का प्राइड वो उसमें बीच में आता। अब रहा सवाल के लेडीज को क्यों नहीं दिए, आपका सवाल बिल्कुल सही है। इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में आप देखेंगे कि MIM पार्टी, अब कॉरपोरेटर लेवल पर तो हमारे कई वुमेन कैंडिडेट्स हैं, हमारी कोशिश होगी कि मुस्तकबिल में भी हम वुमेन कैंडिडेट्स को दें। इसीलिए इस इलेक्शन कैंपेन में हम हर असेंबली सेगमेंट में कम से कम 3 से 4 खाली वुमेन पब्लिक मीटिंग्स करें और उनके मसाइल को सुने, उनसे बात करें। तो यकीनन हम कमिटेड हैं औरतों के, वुमेन के
एम्पावरमेंट के सिलसिले में उनके इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए, और मैं प्रॉमिस भी किया हूँ कि हमारे पार्टी ऑफिस में एक खालिस वुमेन सेल बनाया जाएगा जहाँ पर वो आकर अपने प्रॉब्लम्स को बयान करेंगे और हम उसको एड्रेस करेंगे। तो ये मेरा जवाब है। महाकूटमी रूलिंग में आए तो आप टीआरएस के साथ रहते, महाकूटमी के साथ रहते? सर देखिए ना, उसूल क्या होता कि अगर कोई शादी हुई तो शादी के बाद बच्चा होता बच्ची होती उसके बाद डिसाइड करते नाम अब्दुल्ला रखना फातिमा रखना। अब शादी से पहले आप मेरे को नौको पूछो क्या होने वाला है, शादी होने दो उसके बाद देखेंगे क्या होता। प्रधानमंत्री जी हैदराबाद को आए, उन्होंने बहुत कुछ बातें कही जिसका आपने जवाब दिया, एक बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जितनी पार्टियां लड़ रही हैं सब में वंशवाद है। टीडीपी को गिनाया उन्होंने, कांग्रेस को गिनाया उन्होंने, टीआरएस को गिनाया और एमआईएम को भी गिनाया। प्राइम मिनिस्टर के पार्टी में वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे एमपी, हिमाचल प्रदेश के एक सीएम के बेटे एमपी, लंबी लिस्ट है जिसमें प्राइम मिनिस्टर के पार्टी में भी सब ऐसा हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर का प्रॉब्लम यह है कि वो उर्दू की कहावत है, बिल्ली जब दूध पीती तो समझती लोग नहीं देख रहे। तो ऐसा मत बोलिए प्राइम मिनिस्टर साहब, आपकी पार्टी में भी आप क्या बोले हिंदी का लफ्ज वंशवाद है। आपकी पार्टी में बहुत से लोग आपके फैमिली के एमपीज हैं, बीजेपी के अभी कई फैमिली मेंबर्स इलेक्शन लड़ रहे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो प्राइम मिनिस्टर का प्रॉब्लम यह है कि प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं कि बस मैं सबसे डिफरेंट हूँ, ऐसा नहीं है। वो खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं और एंड ऑफ द डे इलेक्शन जो है वो एक डेमोक्रेसी में पब्लिक पसंद करती और पब्लिक पसंद करके वोट डालने वाली है, तो वो आवाम के ऊपर मुनसर है। सर फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू आस्क इज फॉर हाउ लॉन्ग द इंडियन पॉलिटिक्स नॉट एमआईएम द इंडियन पॉलिटिक्स विल रिवॉल्व अराउंड रिलीजन। We talk about progress, science, everything. So can't the Indian politics or the Indian politicians move towards scientific and rational thinking? Can't they promote that? Because we keep on seeing religion being played out by many parties, especially national parties. You're absolutely right. There was no need of the Prime Minister to say Khabrastan, Shamshan, Ramzan. It was the Prime Minister who still does it. So you're right. And also model code of conduct does not allow any electoral campaign wherein anyone should use religion to garner votes. And yes, Article 51 of the Indian Constitution places a responsibility especially on the ruling party to develop a scientific temperament. But that is not happening. So yes, we will have to change for good, including me also, I accept. Sab, aap jo hai na TRS se mil jul kar hai. TRS ke? टीआरएस से मिलजुल कर है आप लोग, आपसे ही मिलजुल के साहब क्या आप मेरे वोटर है, मेरे को वोट डाल रहे नहीं डाल रहे बोलो आप। 100% नो डाउट, 100% नो डाउट सर। सब आपके पुराने दोस्त बोले तो आपके साथ भी एमपी थे लगड़ा पाटी राजगोपाल साहब, कल एक सर्वे में महाकूटमी आगे चल रहा बोल के बोले, उसके बारे में आपका कमेंट? अब मैं क्या बोलूंगा साहब, वो देखिए ना तो मैं सेफोलॉजिस्ट हूँ, ना तो मैं जन्योद्धारू हिंदू हूँ, मैं वर्णा सिस्टम के बाहर हूँ, मेरे को आर्ट नहीं आता एस्ट्रोलॉजी का, तो हर काउंट पे मैं थम्स अप हूँ। तो मैं तो इतना जानता हूँ कि जो पब्लिक में हम फिर रहे देख रहे उसमें तो वैसा नज़र नहीं आता। मगर अब क्या है, अब तो दो तीन चार दिन की बात है, घोड़ा मैदान आ गए आ जाता बात। इतने अब तो इतने सर्वेज आ गए, वो व्हाट्सएप ही बंद कर दिया मैं, अरे जिंदगी में मैं वो कंपनियों के नाम नहीं सुना उनका सर्वे। अरे कहां से किधर, एक कंपनी का बोले मैं दिल्ली फोन करा पूछा तो बोले अरे है ही नहीं यहां पे कोई कंपनी। तो इतने सर्वे, अरे ये इलेक्शंस में तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सीरियसली इसको देखना पड़ेगा कि एक सर्वे दो तीन चार, अरे भरमार है पूरी, अरे मच्छरों की कसरत नहीं है इतना सर्वों की कसरत हो गई। अब नहीं मालूम किसका सही है, मगर हम जो देख रहे वैसा नहीं है, अच्छा होगा। आपके ऊपर राजा सिंह ने एक कमेंट किया है, आप सेक्रेटरी छोड़ के बाहर आ जाइए, देखते हैं कौन जीतते हैं कबड्डी खेलेंगे बोल के, आपका क्या कमेंट है इसके ऊपर? सर
मार दो ना सर मेरे को आप मार दो, मैं तो बगैर सिक्योरिटी के फिरता हूं। मैं आज तक 25 साल में एक गार्ड नहीं है मेरे पास। मैं शाम में 5 बजे से, आप जरा फोन करके बता दो उनको, शाम में 5 बजे से रात में 10 बजे तक मेरी ट्रायम्फ मोटरसाइकिल पे अकेले फिरता हूं मैं पब्लिक मीटिंग के लिए। क्या है भाई ये? आप इलेक्शन ये है क्या हमारा? ये इलेक्शन डेमोक्रेसी का कबड्डी मैच है? ये लैंग्वेज है बीजेपी की? ये सबका साथ सबका विकास है? ये प्राइम मिनिस्टर इनको सपोर्ट कर रहे? प्राइम मिनिस्टर ऐसे लोगों के लिए वोट मांगने के लिए आए जो लोगों को मार देना चाह रहे, कत्ल करना चाह रहे, गर्दन काटना चाह रहे, सिक्योरिटी छोड़ के आओ? क्या है भाई? अगर मैं ये बात प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोलता तो आप छोड़ते थे मेरे को? सोचो आप थोड़ी देर के लिए। आप हिंदू मुस्लिम कर दिए थे उसको, पाकिस्तान से मिला दिए थे मेरे को, अब तक आप लश्कर ए तैयबा का एजेंट बना दिए थे मेरे को, आप उसामा बिन लादेन का दोस्त बना दिए थे मेरे को आप। ये क्या लैंग्वेज है? इलेक्शन है ये, क्या है ये? छोड़ के आओ। अरे क्या छोड़ के आओ भाई? आप पब्लिक को जाके कन्विंस करो। आपके घर के सामने मोहरी भैरी, ड्रेनेज लाइन, कुछ काम नहीं। असदुद्दीन अवैसी को मैं देख लूंगा, छोड़ के आओ। मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है, मार दो आप। मैं मरने तैयार हूं अपने कॉज के लिए। मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं लड़ूंगा इन ताकतों से। और अगर इस राह में मेरे को मौत भी आएंगी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं पब्लिक से कि शहर में कुछ भी नहीं होना, आप मेरे खबर पे आके दो फूल चढ़ा देना। माय क्वेश्चन इज स्लाइटली यू नो लॉन्गेस्ट 2-3 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। वन इज दिस पॉलिटिकल रिटोरिक हैज यू नो डिप टू अ लेवल दैट वी हैव नेवर सीन बिफोर। यस, द फर्स्ट पार्ट इज हाउ मच फर्दर डू यू सी दिस गाली गलोच गोइंग। सेकेंडली, does this, you have been a politician for many years, do you see that this makes any impact at the time of voting and time of decisions people take? And the third part of the question is how do you assess the role of election commission this time, because they claim to have done a lot to stop this, and they've also claimed to have issued a lot of notices to political parties? Yes, as far as ECI is concerned, I must say that they have been very up to date, they have been very fair, and yes, they have been trying their utmost best. But it is for the people to understand and reject such language which is not only unparliamentary, but it is a language of gutter which is being used, which people should not tolerate and not accept. And to your first question, yes, this will further go down. There is no end to it, because it is the society which will have to reject it. You know, when people sit and say, wah, taali maare, are kya hai bhai? You know, when someone says, aa jao kabaddi match khelenge, teri gardan kaat dunga, bagair security ke phiro, it is the people who should stand up and say, we reject you. When people say, bhaga denge, people should say, no, we will reject you. That change has to happen in the Indian electorate. You know, you and that is why you see that when mob lynchings are happening, there is no concern. Junaid, a 16-17-year-old boy, was assassinated by knives in a train compartment, and no one came forward to stop him. What happened in Bulandshahr? A mob goes, takes out the service revolver and shoots a man in uniform. There's no one to stop it. I mean, how can we accept this behavior? And I hope that, you know, we should, coming back to your scientific temperament, that is very important, that we'll have to develop this temperament wherein we reply the criticism, but not in this language of we'll make you flee, we'll cut your head, you come without security. That is absolutely wrong. Sir, there are considerable criticisms coming from the Shia community, saying that there's no proper representation for them. There is a no? There's no proper representation for them in governance, or they've also come out with a charter or demand saying Can I just stop you and request you, we can save time. See, MIM party has a corporator. MIM party had supported the membership
in the Telangana Waqf Board. MIM party stands for representation of everyone, and if such concerns are there, we'll definitely address them. As far as people, and there are many Shia ulemas, Zakirin, and the organizations of Matameen who have openly come out and said that we'll support MIM party. That is on record. There are some people who have stated their concerns, but we'll definitely address them. Yogi Adityanath is again coming and he's campaigning several meetings here in Telangana. How you see his state is in trouble, he's again campaigning. He was seen enjoying a laser show while an inspector was shot dead by mob. What's your reaction, sir? Well, anyone is fit to free and campaign in a democracy. I cannot stop him. Good luck to him. When his state is burning, as a chief minister, this shows his callousness, his complete disregard for what is happening in his state. The law and order machinery is breaking. Good luck to him. And I hope that the people of Uttar Pradesh will realize that what a callous and reckless, irresponsible chief minister they have got. And in particular, I hope that the UP police will realize that after one of their officers was shot dead in his with his own weapon, the chief minister is not there to grieve with the family, but he is doing election tourism and coming to Telangana, which will not have any impact, and people will reject his ideology and his language, wherein he says that elected MP would be forced to flee Telangana. What are you thoughts? Expanding your party? Huh. So I am saying, sir, what are your thoughts on expanding the states? Congress says that you are fielding candidates in states like Assam, only to split. Sir, 1 minute. I request through you to PTI to please remind the Janyadharu Hindu Shri 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 Rahul Gandhi Ji that I did not contest in Assam. I didn't go to Assam. If he wants me to go to Assam, I'll go. He will see the reaction from Barak Wali to Lower Assam. One public meeting I will do. You must cover, sir, at PTI. I'll hold one meeting in Barak Valley, one meeting in Lower Assam. I'd have not gone to Assam. This man is not even briefed properly, neither he reads properly. I went to Assam in 2012. When this 1.5 lakh people were made homeless, Bengali speaking people were made homeless, I spent 12 days of Ramadan in Lower Assam with a team of specialist doctors of 20 with 50 lakh medicines. We went to every camp and provided them all the medical relief. So as far as expansion of party is concerned, that is a natural process. And to counter a Janyadharu leader of Congress party, why are you contesting against me in Hyderabad then? Why are you contesting against me? That is a very natural question. Because see, this politics of entitlement will not work in India. I cannot always shout and claim I am son of Asaduddin Owaisi, was 6-time MP. People will say, okay, yes, good, what are you? Have you delivered or not? So this in present days India, this politics of entitlement did not work. And because of their ignorance, arrogance, incapacity, incapability, and their feudal mindset, people of India were forced to vote for Narendra Modi. The moment they change, then the change will happen. Amit Shah, in his recent meeting, he has said that BJP is the only alternative to MIM. BJP is the only alternative, yes. Okay. So what are your thoughts on it? And how do you think, what are the factors that are contributing to MIM success in the 7 constituencies? So, one is the biggest factor is this ganging up of all these magnificent people in the form of Modi, Amit Shah, Rahul, Naidu, Yogi. They have ganged up against me. That in itself is sending a strong message to people of Hyderabad that this is the time when the Hyderabad pride will come out. The pride of Hyderabad will be shown on the 7th of December.
and the people will reject this hate and this politics of entitlements and this politics of threatening. And people of Hyderabad would give a befitting reply to all these so-called magnificent people, and they will bless me because I am part of Hyderabad, and this part of Hyderabad of mine would overwhelmingly defeat all these people who do not know anything about Hyderabad's composite culture.